हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमेश पंत और उन्नति कंपटीशन क्लासेस में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ सार संग्रह के मिसलेनियस क्वेश्चंस की, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट एमपी हैं। जो बच्चे भी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस लेक्चर को, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और जो एग्ज़ाम एसएससी का कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहा हो, एलडीसी का दे रहा हो, एमटीएस का दे रहा हो, या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, उसके लिए ये लेक्चर मोस्ट टाइम पे है। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन है, संगीतकार तानसेन का संबंध किन राज दरबारों से रहा? रीवा। मोस्ट एमपी है, रीवा मतलब ग्वालियर, ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो उस समय जो थे मुगल राज दरबारों से। सेकंड क्वेश्चन है, प्रति 12 वर्ष पश्चात जैन धार्मिक अनुष्ठान महामस्ताभिषेक का आयोजन कहाँ किया गया था? श्रवण बेल गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग नंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली किसकी कृतियां हैं? हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिकवाद के लिए अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस, मोस्ट एमपी क्वेश्चंस, आप इसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली की कलाए कोहाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। दिल्ली की किलाए कोहाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, पालघाट मणि अय्यर प्रसिद्ध वादक थे, मृंगम के गांधार शैली का संबंध है मूर्ति कला से, हुमायूं नामा किसकी कृति है? मूर्ति कला से। ये क्वेश्चन, सॉरी, हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम से। गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की सिस्टर थी, और सिस्टर होने के नाते वो हुमायूं को काफी करीब से जानती थी। उसकी राजनीति जो भी थी, उसकी युद्ध की जो भी शैली थी, कि युद्ध वो किस तरह से करता था, या उसकी जो भी सेनाएं थी, कौन सा उसमें काफी, मतलब काफी मेहनती इंसान था, तो ये गुलबदन बेगम बहुत अच्छे से जानती थी हुमायूं को। तो हुमायूं के ऊपर इसने हुमायूं नामा एक कृति लिखी, एक पुस्तक लिखी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस पे मैं एक आईएमपी का एक स्टार लगाना चाहूंगा। आप भी एक काम करिए, इसमें एक स्टार लगाइए और इसको ध्यान से नोट करिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे है, सांची के स्तूप किसकी कला तथा मूर्ति कला को निरूपित करते हैं? बोधो की। ठीक है, भारत का सुप्रसिद्ध भारतीय फारसी कवि था अमीर खुसरो। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ताहीन होने पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? अबुल हसन ने। अगला है, मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलादुल नबी। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। मोस्ट टाइम भी। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो पंजाबी लोग होते हैं, सरदार जो लोग होते हैं, वो सिंपल कई बार ये लाइन बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह का खालसा, गुरु गोविंद सिंह की फतह। सुना होगा आपने, मतलब गुरु गोविंद सिंह का खालसा है, ये इस बात पे जोर देते हैं, जो खालसा पंथ की जो स्थापना करी, मतलब गुरु गोविंद सिंह ने करी। आप इस तरह से इसको याद करिए। अगर आप ऐसी बस वीडियो देख लेंगे, एक बार स्टार्ट करिए, एंड तक देखिए, कोई नोट्स नहीं बनाए, बस क्लोज कर दिया वीडियो, अपने किसी और काम में लग गए, तो इन सब क्वेश्चंस को सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा फायदा होगा, लेकिन 100% जितना प्रयास मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने एग्जाम के लिए प्रयास करें। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, नोट्स बनाते चले जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे है, दया भाग का लेखक कौन था? जीमूत वाहन। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में। देखिए, एक बात और, इस लाइब्रेरी से मुझे याद आया एक चीज और, हम लोग डॉट कनेक्ट करेंगे। डॉट कनेक्ट मतलब कहीं भी अगर हम लोग यूनिक वर्ड मिला, तो उसको हम लोग एक किसी दूसरी नॉलेज से हम कनेक्ट करेंगे। जैसे कि लाइब्रेरी से गिर कर किसकी मृत्यु हुई, तो वो था हुमायूं। हुमायूं क्या था, शुरुआत से एंड तक इसने काफी साम्राज्यवाद अपना स्थापित करा, बहुत कुछ पाया, लेकिन ये काफी इंसान काफी बेचैन था हुमायूं। और
गिर गिर के ही इसकी मृत्यु हुई। सब कुछ होने के बाद में भी अचानक से ये लाइब्रेरी में कुछ किताब पढ़ रहा था, सेकंड फ्लोर की सीढ़ी पे था, तो सीढ़ी से वो किताब उसके हाथ में थी, नीचे उतर रहा था। उतरते समय इसका पैर फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूँ, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, किस राजा की लाइब्रेरी से गिरकर मृत्यु हुई? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूँ। और जो इसका आंसर है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, वो है पटना में। आगे है, गोवा होकर कोंकण रेल मार्ग पर चलने वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस का नाम था हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस। अर्जुन का एक नाम सव्यसाची क्यों पड़ा? दोनों हाथों से तीर चलाने के कारण। यूरोपीय संसद क्या है? 12 सदस्य राष्ट्रों से निर्वाचित 518 सदस्य प्रतिनिधियों की सदस्यता से बनी संसद। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यालय जो है वो है लग्जमबर्ग में, अध्यक्ष जो है जर्मनी के क्लांस हंस। भोपाल स्थित प्रसिद्ध भारत भवन कला केंद्र के जाने माने वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। देखिए, अब यहाँ पे एक बात और कि इसने बोला भोपाल, भोपाल में एक मीथेन की त्रासदी भी हुई थी कि मीथेन की जो फैक्ट वहाँ पे फैक्ट्री थी तो उसमें आग लग गई थी, तो मीथेन का जो वो कांड हुआ था तो वो भोपाल में हुआ था। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगली बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि गोपाल दास सक्सेना अपने किस अन्य नाम से अधिक जाने जाते हैं? नीरज उपनाम से। ठीक है बच्चों, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में। प्रभु दयाल गर्ग एक प्रसिद्ध हास्य कवि थे, हव अपने किस दूसरे नाम से अधिक जाने जाते थे? काका हतरसी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगर हम हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं, सारे एग्जाम अगर हम हिंदी मीडियम में देते हैं, हमको हिंदी अच्छी लगती है, तो हमको पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाई जाती है। ये मनाई जाती है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 1975 में आयोजित हुआ था, इसका आयोजन किस शहर में हुआ था? मैक्सिको सिटी में। भारत में रेडियो पंजीक सुविधा की शुरुआत किस शहर से हुई थी? कलकत्ता से। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के समस्त मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किए? हरियाणा। समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उज्ज्वला राय। 1988 में इन्होंने विश्व का पूरा चक्कर लगाया। ये कौन है? भारतीय पहली महिला है। ठीक है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। देखिए, जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, पुनर्जागरण आंदोलन जो भी हुए, इनको एक्चुअली बोलते हैं धार्मिक आंदोलन। मतलब कि हमारा जो पहला इतिहास था 1857 से, जो अगर पिछली हम बात करें, 1800 का जो पूरा जो कार्यकाल था हमारा, काफी अंधविश्वास से भरा हुआ था। वहां पे सती प्रथा थी। सती प्रथा आप जानते होंगे कि किसी अगर महिला का पति अगर एक्सपायर हो जाता है तो जो उसकी चिता होती है, जो उसके सैया लगती है, अंतिम विदाई जो उसको देते हैं, तो उसकी पत्नी को भी उसको जिंदा जलाया जाता था उसके सामने। सोचिए कितनी गलत प्रथा थी। और छोटी उम्र में बच्चियों का विवाह कर देना, 10-10 साल की बच्चा हो जाती थी तो उनको एक तरह से विवाह, उनको पता भी नहीं था कि विवाह का मीनिंग एक्चुअली होता क्या है। तो ऐसे ऐसे अंधविश्वास होते थे, बलि दो, छोटे बच्चे की बलि दो, बड़े बच्चे की बलि दो, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो इस अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए काफी सारे आंदोलन चलाए गए थे। राजा राममोहन राय के अलावा काफी सारे व्यक्ति थे, इन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने धर्म को सुधारने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफी सारे आंदोलन चलाए गए थे। इसको लेके मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है बच्चों। उसमें क्या है, उसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रखी है कि कैसे इन सबको आप याद करिए। ये केवल एक ही व्यक्ति नहीं थे, इनके साथ काफी सारे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना अलग अलग का एक आंदोलन चलाया। तो वो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, वो प्लेलिस्ट में अभी भी है, शॉर्टकट ट्रिक के अंदर होगा, तो सब देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर औरंगजेब ने किस सिख गुरु को प्राण दंड दिया था? गुरु तेग बहादुर को। अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। कालिदास, कालिदास का नाम आप सबने सुना होगा, अगर आप एस्पिरेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो कालिदास का नाम आपने सुना होगा। एक सम्मान मिलता है जो मिलता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्पेशल फॉर एमटीएस एंड एसएससी सीजीएल वाले बच्चे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को और याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश कालिदास। कालिदास का जन्म कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। कुछ इस तरह से आप लिंक को याद करके बनाइए और इसे याद करिए, क्योंकि मोस्ट एमपी क्वेश्चन से आप लिंक बना के ही याद कर पाएंगे। ठीक
ठीक है। देखिए पूरी लाइन का जितने भी इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं हर एक का लिंक अगर बना देंगे तो आपके माइंड में हौच पौच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माइंड में एक तरह से एक युद्ध चलेगा बातों का, एक वन लाइनर जीके का। तो इसलिए ठीक है कुछ तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आते ही आते हैं तो उनका आप लिंक बनाइए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा है तमिल। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धम्म चक्र प्रावर्तन कहा गया है? सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को। बीजक किसकी कृति है? कबीर की। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की। कौन सा वेद जादू टोना तथा संबंधित मंत्रों का संग्रह है? ठीक है, अथर्व वेद, मोस्ट एमपी। मोहिनीअट्टम नृत्य मूल रूप से कहाँ विकसित हुआ? केरल में। दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी हैं? भद्रवायु के। गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। मुद्रा राक्षस नाटक में वृषक का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चंद्रगुप्त के लिए। वैदिक साहित्य में गणपति कहकर किसको संबोधित किया गया है? इंद्र, बृहस्पति, ब्रह्मास्पति और मनुत। आगे है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयासों से हुआ? दारा शिकोह के प्रयासों से। केरल कला मंडलम के संस्थापक थे त्यागराज। देखिए केरल से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में और आता है, वो ये आता है कि किस स्टेट में भारत के कौन से राज्य में मैक्सिमम एजुकेशन्स है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं भारत के अंदर? तो वो पाए जाते हैं केरल में, मोस्ट एमपी क्वेश्चंस है, ये भी आप लिख लीजिएगा। देखिए डॉट कनेक्ट ऐसे ही होगा, अभी शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन ठीक है आप पढ़ते रहिए ध्यान से, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हैं अपने आप पे विश्वास बना के चलिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद हो रहा है, मुझे याद हो रहा है, ठीक है। इस तरह से देखिए, दीप में जन्म होने के कारण महर्षि व्यास को जाना जाता है कृष्ण दपायन के नाम से। किस मुगल बादशाह ने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने। च्यवनप्राश किस ग्रंथ के वर्णन के आधार पर बनाया गया है? चरक संहिता। भक्ति काल के प्रमुख प्रणेता नरसिंह मेहता किस प्रांत के थे? गुजरात के। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तमिल भाषा में। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। जातकों में क्या वर्णित है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? अबुल हसन ने। ग्वालियर घटना किस गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? द्रुपद गायकी के लिए। अगला है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था? महाराणा प्रताप सिंह ने। बहिष्कृत भारत के संस्थापक थे बी आर अम्बेडकर। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? व्याकरण से। अंग्रेजों का सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। वैष्णव संत वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की किस शाखा से संबंधित थे? कृष्ण मार्गी संप्रदाय से। नागार्जुन किस वाद के प्रतिपादक थे? शून्यवाद के। चैतन्य महाप्रभु जिनके इस्कॉन टेम्पल भी हैं काफी जगह पर, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उन्होंने देखा होगा नेहरू विहार में जो इस्कॉन टेम्पल है उनके, जो जो भी मतलब वो कृष्ण भगवान थे जो उनके मेन फाउंडर हैं इस्कॉन टेम्पल के, उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। इन्होंने काफी सारी बुक भी लिखी है इसी धर्म को लेकर के, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो सब जो है चैतन्य महाप्रभु की ही देन है सारी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है? सोलन, मतलब हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में अगर आप जाते हैं तो आपको मैक्सिमम जो होती है बागवानी मिलती है, इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? आपको पता होना चाहिए भारत की दक्षिण दिशा कौन सी है, ठीक है, तभी आप निकालेंगे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऐसे और ऐसे बांटते हैं, ये पूरब, ये पश्चिम, ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो भारत का जो मैप है, मैप का जो निचला हिस्सा है जहाँ पे आपका श्रीलंका कन्याकुमारी ये सब चीज़ें पड़ती है ना, तो वहाँ पे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट, बड़ा निकोबार बोलते हैं इसको, मोस्ट एमपी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। आगे है,
जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। हम बोलते हैं जय हिंद जय हिंद, 26 जनवरी, 15 अगस्त, कभी मौका मिलता है हम जय हिंद जरूर बोलते हैं, ठीक है। ये नारा किसने दिया हमको पता नहीं होता, हम बोलते तो हैं लेकिन याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किस संगठन से संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन से। देखिए बच्चों आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सबके सामने लेके आने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अपने नोट साइड बाय साइड बनाते चले जाइएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुखोटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? पटना में गंगा नदी से। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? असम से। हंगी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? यह हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर वह व्यक्ति होता है जिसका रक्त ग्रुप ओ होता है, मतलब ओ जो ब्लड ग्रुप होता है किसी पर्सन का, तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, चाहे वो ए पॉजिटिव पर्सन हो, ए बी पॉजिटिव पर्सन हो, चाहे बी हो या ओ से ओ क्यों ना हो, ठीक है। वॉर एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। सीन फेन किस संगठन की राजनीतिक शाखा है? आयरिश रिपब्लिकन पार्टी की। देश का सबसे बड़ा सहकारी प्रतिष्ठान आनंद डेयरी, आनंद जो डेयरी है ठीक है ना, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। देखिए आनंद डेयरी मतलब मिल्क की सबसे बड़ी डेयरी जो है वो गुजरात में है। आगे है, देश के चार प्रमुख स्थल जहां 12वें वर्ष में कुंभ का मेले का आयोजन होता है कौन सा है? चार जगह हैं, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। आपको कभी कभी वो जीके में क्वेश्चन देता है कि इसमें से और छाटिए जहां पर कुंभ का मेला नहीं लगता है, आपका हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और दिल्ली दे दे देगा, आपको कलकत्ता दे देगा, कुछ और दे देगा, आपको उसमें से और छाटना होता है एग्जाम में। ये होती है स्मार्ट अप्रोच जो आपको डेवलप करनी होगी। अगला है, झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मणिपुरी से। अगला है, अमार सोनार बंगला गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, साइलॉक किस साहित्यकार द्वारा सृजित पात्र है? विलियम शेक्सपियर द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस देश ने परमाणु बम विकसित कर लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी सारी कार्यवाही जिसके किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से। पारसनाथ किस धर्म के धर्मोवलंबियों के लिए पवित्र स्थान है? जैन धर्म। नासिक। अगला है, नासिक जहां 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी का प्राचीन नाम अकमोला को अब क्या कहा जाता है? अस्ताना। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। यूरोपीय महाद्वीप में स्थित देश हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब नदी के किनारे। चरित्रहीन पुस्तक किसकी रचना है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। स्काउटिंग के संस्थापक कौन थे? बेदन पावाल। मालधान नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में। भारत में कहाँ देश की नवनिर्मित अत्याधुनिक टकसाल का उद्घाटन 20 अगस्त 1997 को किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद में चेरालमपल्ली में। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1952 में।
वह कौन सा देश है जिसने पुनः 12 वर्ष के अंतराल के पश्चात यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की? ब्रिटेन। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 जून को। नेल्सन मंडेला ए बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मार्टिन मेरेडिथ। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सर्वप्रथम किस भारतीय को सम्मानित किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। अगला है, दक्षिणी अमेरिका के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकस। नीदरलैंड्स की संसद को क्या कहते हैं? स्टेटिन जनरल। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चन है, सन 1969 में स्थापित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। थिन बाथ परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। भारतीय राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। ईरान देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? गुलाब का फूल। ईयर्स ऑफ पिलिग्रिमेज किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक की आत्मकथा है? डॉक्टर राजा रमन्ना की। किस धार्मिक ग्रंथ के निजी प्रकाशन पर उसी धर्म के उस संस्था ने पाबंदी लगा दी? गुरु ग्रंथ साहिब। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन है? जॉन वॉन विले। भारत निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम 10,000, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट एमपी है। जीव विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। मोस्ट एमपी ये भी। मातृशक्ति के संदर्भ में किसने लिखा? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद ने। संत कबीर का महाप्रयाग स्थल है मगहर में, ये भी क्वेश्चन मोस्ट एमपी। आगे है, पेरिस ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर पी सी अलेक्जेंडर। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। भारत में औसत आयु लगभग कितने वर्ष है? 59 वर्ष। माई ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? इंदिरा गांधी ने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग मतलब माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण की किस रचना में लिखा गया था? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यशोधरा ने। किस नदी को बंगाल का सोख कहा जाता है? याद कर लीजिए, अभी पॉज करिए इस वीडियो को और याद करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट एमपी है। दामोदर नदी को बंगाल का सोख कहा जाता है, अपने नोट्स बनाते चले जाइए, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा नगर पॉप का शहर कहलाता है? रोम। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु का नगर मदुरै, मदुरै जिसे बोलते हैं, किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? मीनाक्षी मंदिर के लिए। नावा सेवा क्या है? भारत का आधुनिक बंदरगाह। प्राचीन बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध नगर बोरा बुदुर कहाँ है? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रखरली शिशु का नाम बताइए? इंदिरा। ठीक है ना, आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए, जो इंदिरा पॉइंट था वो दक्षिण में पड़ता था, अभी इसी वीडियो में हमने देखा, तो आप इस तरह से याद करिए, ठीक है ना। परख नली जो शिशु का जो नाम रखा गया था, वो जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का उसी के नाम पर रखा था। इंदिरा पॉइंट मतलब इंदिरा, ऐसे ऐसे कर लीजिए याद, ठीक है। और अगर आप याद करना चाहें तो उसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इंदिरा गांधी। नाम सुना होगा आपने, हमारी पीएम रही थी वो, कांग्रेस की थी। तो इंदिरा गांधी ने जो जन्म लिया था वो परखनली शिशु के द्वारा लिया गया था, ठीक है।
3 दिन पॉइंट आपके पास याद करने के लिए है। वैसे ज़्यादा जो आपको बेनिफिशियल होगा वो इंदिरा पॉइंट से इसको रिलेटेड वो करिए, ज्वाइंट करिए। ऐसे याद करेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। प्रथम भारतीय जो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचा, फुदुरसी आनंद वन की स्थापना किसने की? बाबा आमटे ने। अरुविले आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी में। जॉर्ज वाशिंगटन किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राष्ट्रपतियों की हत्या की गई, वह राष्ट्रपति कौन थे जिनकी हत्या अन्य से पहले हुई? अब्राहम लिंकन। यूरोप के किन दो देशों में 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा? इंग्लैंड और फ्रांस में। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई, इसको रूसी क्रांति भी बोलते हैं। इसका संबंध किससे था? रूस से। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, एमटीएस वाले बच्चे ध्यान दें, ठीक है। प्रथम सोवियत प्रधानमंत्री कौन थे? जोसेफ स्टालिन। भारतीय इतिहास प्रसिद्ध रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? ब्रिटेन में। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। जल्द लेके आता हूँ आपके पास इसी का विविध मतलब मिसलिनियस पार्ट का एक नया पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे, ढंग से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो प्लीज़ बनाइए। इस वीडियो को पॉज करिए, प्ले करिए, जहाँ पे भी डाउट हो 3-4 बार सुनिए इस वीडियो को कम से कम। कम से कम अगर आप 3 से 4 बार वॉच करते हैं और नोट्स बनाते हैं, देखो हर लाइन के नोट्स बनाना अगर बना सकते हैं, फुल टाइम फ्री है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जॉब करते हैं, इतने सारे नोट्स बनाएंगे तो आपका टाइम कहीं ना कहीं खर्च होगा। तो सबसे बेनिफिशियल होगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से 4 से 5 बार देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस की टीम से मैं उमेश पंत आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और कोई भी कमेंट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग कि सर इसमें ये दिक्कत थी, इसमें वो दिक्कत थी, मुझे बताइए। मैं आने वाले सभी वीडियो में पूरा प्रयास करूंगा आपको कोई दिक्कत ना आए, वीडियो की क्वालिटी से लेकर के वॉइस की क्वालिटी तक। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अलविदा, बाय।